लेकिन यहाँ महादेव ऐप की अब चर्चा शुरू हो गई है। भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है, उनको 508 करोड़ रुपए दिए गए थे महादेव ऐप में जो होता है उसको लेकर के आप कहते हैं। उसके संबंध में जो ईडी इंक्वायरी कर रही है और जो महादेव ऐप है उसमें मतलब भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आरोप है कि भाई उनको मतलब महादेव ऐप ने 508 करोड़ रुपये दिए थे और उसकी इंक्वायरी चल रही है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये है। मतलब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये मुख्यमंत्री मतलब इसी तरह का घोटाला करना ठीक नहीं है। कांग्रेस की आदत ये है कि भाई भ्रष्टाचार करना और सत्ता में आना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को मतलब अलग अलग बातें करके बीजेपी के खिलाफ भूमिका रखना, तो उससे मतलब उनको कोई फायदा हुआ नहीं। और भूपेश बघेल की इंक्वायरी चल रही है और अभी मतलब भूपेश बघेल का बंद हो जाएगा खेल और उनको जाना होगा जेल, तो मतलब ये बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में मैं आज इधर आया हूँ। मेरी पार्टी ने 90 सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया है। मेरी पार्टी कई जिलों में काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला जो दलित बुद्धि समाज है ये समाज बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ रहेगा और इस वक्त कौन सी भी हालत में बीजेपी की सत्ता आनी चाहिए, इसी तरह की हमारी भूमिका है। और ये भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का जो प्रकरण सामने आया है उसका धक्का कांग्रेस पार्टी को बैठेगा और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा, साफ हो गया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सर जैसे चुनाव आता है वो अपना काम करने लगती है और उनका दबाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ईडी जो होता है ये अलग डिपार्टमेंट है, इसका सरकार की एजेंसी है, लेकिन जब उनको इसी तरह के कोई एविडेंस मिलते हैं तो एविडेंस मिलने के बाद इसकी इंक्वायरी होती है। इसीलिए सरकार पर आरोप करना ठीक नहीं है। हम तो जनता जिनको सत्ता देगी उनको सत्ता में आने का अधिकार है। जिस तरह 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल में मतलब भ्रष्टाचार बड़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये ईडी इंक्वायरी जानबूझकर हम लगाते हैं, सरकार लगाती है और इलेक्शन आ गया तो नेताओं के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई होती है, ये आरोप में तथ्य नहीं है। ईडी जो डिपार्टमेंट है ये मतलब जो गलत काम करता है उनको सजा देने का काम, उनको जेल भेजने का काम ईडी के माध्यम से होता है। देश में राम मंदिर के बाबरी मस्जिद का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। अमित शाह कह के हम कभी राम के नाम पे वोट नहीं मांगते, लेकिन यहाँ मंदिर की जमीन तो हिंदुओं की थी। मुझे लगता है कि जो कमलनाथ जी है जो मतलब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता भी है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई राम के नाम पर मतलब बीजेपी वोट मांगती है, लेकिन हमको राम के नाम पर वोट मांगने की जरूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, और हम विकास के लिए लोगों के सामने जाते हैं और हमने 9.5 सालों में देश भर में क्या प्रगति की है, कितने रोड हमने अच्छे बनाए हैं, कितने लोगों को मतलब मुद्रा योजना का लोन दिया है, कितने लोगों के जनधन योजना के अकाउंट खुलवाई है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है, कितने लोगों को मतलब आयुष्मान भारत योजना मेडिकल हेल्प के लिए वो है उसका फायदा कितने लोगों को हुआ है, ये बातें हम बताते हैं। राम के नाम पर हमें मतलब वोट मांगने की जरूरी नहीं है। और अभी मतलब इसी तरह के कमलनाथ के आरोप में बिल्कुल अर्थ नहीं है। और जो बीजेपी है हमारा NDA है ये राम के नाम पर वोट नहीं मांगता है। एक आखिरी सवाल, आप महाराष्ट्र से आते हैं, तो मराठा आरक्षण के लिए बहुत भारी प्रदर्शन चला, हिंसा भी हुई और कई सालों से मराठा समाज की मांग है कि मराठा समाज में अमीर लोगों की भी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी मराठा समाज जो है ये मराठा समाज में बहुत सारे लोग आर्थिक बैकवर्ड भी है, जो गरीब लोग है, ऐसे लोगों को मतलब शिक्षा में नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये मांग है। जो मनोज जरांगे पाटिल है जो जालना जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत ही तेज आंदोलन किया, ओपोजिशन करके उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को जगा दिया, मराठा समाज को जगा दिया। तो मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए 2 महीने का टाइम दिया है और 2 महीने में जरूर मतलब इसमें मार्ग निकलेगा। एक तो उसमें ये करना पड़ेगा कि जिस तरह तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, 30% प्लस 20% OBC के लिए आरक्षण है, 2 कैटेगरी उसमें है, उसी तरह मतलब महाराष्ट्र में भी अगर OBC की 2 कैटेगरी बनाते हैं
जो आज ओबीसी है उनको भी वही धक्का लगेगा नहीं, और मराठा समाज को स्वतंत्र आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एज ओबीसी उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी मांग है और उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सह्याद्रीची उंची म्हणजे 24।